हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीकेएस कार्स। और दोस्तों मेरा नाम है गौरव, और दोस्तों आज हमारे पास है न्यू हुंडई i20 आपके सामने दोस्तों देख सकते हैं। और ये हुंडई i20 का आपका टॉप वेरिएंट है एस्टा वेरिएंट। इसमें टोटल आपको चार वेरिएंट मिल जाते हैं, एरा, मैग्ना, स्पोर्ट और एस्टा वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस वेरिएंट के सारे फीचर्स हम लोग दोस्तों जानने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए गाड़ी का व्यू है, और हम लोग यहाँ पर जानते हैं इसके फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। तो इस गाड़ी में सबसे पहले आपको देखिए मिलेगा 1.2 लीटर का इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको माइलेज है 17 KMPL का माइलेज दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा। और बात आ जाती है इसकी गाड़ी की पावर की, तो आपको यहाँ पर 81 BHP की पावर है, और आपको 114 Nm का टॉर्क मिल जाता है। 7 कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। हमारे सामने जो है ये आपका व्हाइट कलर है, पर्ल व्हाइट कलर, जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी गाड़ी आप लोग देख सकते हैं, और बेस्ट हैचबैक में से आती है। सारे इंटीरियर का लुक जानते हैं, एक्सटीरियर भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। चलिए देखिए एक्सटीरियर प्रोफाइल में, तो यहां पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाती है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, पियानो ब्लैक में आपको ग्रिल का व्यू यहां पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और इसके बाद में यहां पर आता है, ये आप लोग देख सकते हैं LED में DRL आपको यहां पर मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर हाइड्रोजन बल्ब में मिलता है। यहां पर ट्रिपल में आपको LED में हेडलैम्प्स वो आपको यहां पर मिल जाते हैं। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है, वो आपको यहां पर मिल जाता है। एरोडायनेमिक के डिजाइन का जो दिया गया है वो आपको यहां पर मिलेगा, ये आपको ग्लॉसी ब्लैक पूरा मिलेगा। सिल्वर फिनिश है पूरा, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में यहां पर देखेंगे हुंडई का सिल्वर फिनिश में लोगो आपको मिल जाता है, और बोनट का डिजाइन आप लोग देख सकते हैं, ये आपको यहां पर मिल जाता है। और साइड प्रोफाइल की अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहां पर आप लोग देखेंगे साइड प्रोफाइल में, तो ये है साइड व्यू है। और यहां पर देखेंगे जो डायमंड का डिजाइन है वो आपको यहाँ पर साइड में दिया जाता है। और इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको मिल जाते हैं एलॉय व्हील्स। फ्रंट में आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर व्हील साइज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं R16 inches के व्हील है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके बाद में ORVM है, ऑटो फोल्ड फीचर और टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद में आपको सेंसर भी मिलता है, जैसे आप लोग गाड़ी के पास जाते हैं तो आपके ORVM ऑटो ओपन हो जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो रनिंग बोर्ड आएगा दोस्तों, ये आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको i20 की बैजिंग है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं क्रोम फिनिश में आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, क्रोम का वर्क है जो साइड में है डोर्स में, वो आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं सनरूफ भी आपको यहाँ पर मिल जाती है गाड़ी में। और अब दिखाते हैं बैक में, तो ये है दोस्तों यहाँ पर आती है फ्यूल लिड है, जिसमें 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और जो ये है क्वार्टर ग्लास आपको यहाँ पर मिलता है, क्रोम का वर्क है, ये आपको यहाँ पर साइड में मिल जाएगा। और रियर प्रोफाइल गाड़ी का अब हम लोग दिखाने वाले हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आता है गाड़ी का रियर लुक पूरा आप लोग देख सकते हैं। बैक में आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं LED में टेल लैम्प मिल जाती है जेड शेप में, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर है, स्टॉप लाइट आपको यहाँ पर मिलती है, ये आपको रिवर्स पार्किंग लाइट यहाँ पर मिलेगी। और i20 की सिल्वर फिनिश में बैजिंग है, वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। क्रोम का जो वर्क है वो आपको यहाँ पर स्ट्रिप ये देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं सेम लुक आपको दोनों साइड मिल जाता है। हुंडई का सिल्वर फिनिश में लोगो मिल जाता है, ये पूरा आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश का वर्क मिल जाएगा। यहाँ पर रियर वाइपर है, डिफॉगर्स मिल जाते हैं, हाई माउंटेड स्टॉप लाइट यहाँ पर मिलती है, सार्फिन में रेडियो एंटीना मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं रियर बम्पर, तो ये आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पर मिलेगा। सिल्वर फिनिश का वर्क है बम्पर में आपको यहाँ पर मिल जाता है। और रियर पार्किंग का कैमरा है वो आपको यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा। रिफ्लेक्टर्स का व्यू देख सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। और एक बार दिखा देते हैं गाड़ी का बूट स्पेस, तो वो भी आप लोग देख लीजिए, अच्छा खासा स्पेस है वो आपको यहाँ पर बूट में मिल जाएगा। और इसका जो प्रोफाइल देखेंगे, यहाँ पर आपको पूरा क्लोज्ड में मिलता है, ये ग्रैब हैंडल आपको मिलता है। और यहाँ पर आता है 351 लीटर का बूट स्पेस है, वो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रंक लाइट है, वो आपको बैक में देखने को मिल जाती है, हुक है यहाँ पर मिलेगा। और एक ये आपको सब बूफर है, वो आपको यहाँ पर बोस कंपनी का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये आती है गाड़ी की पार्सल ट्रे। और दोस्तों अब हम लोग चलते हैं गाड़ी में, इंटीरियर चेक करते हैं वो क्या क्या देखने को मिलेगा। एस्टा की बैजिंग है, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सिल्वर फिनिश में मिलती है। सेंसर है, तो वो आपको यहाँ पर दो रिवर्स पार्किंग के सेंसर है, वो दोस्तों यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं ड्राइवर साइड, देखते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर है, और ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब डोर का व्यू दिखाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये है डोर्स का व्यू आपको मिल जाता है। डुअल टोन में इसका इंटीरियर का वर्क मिलेगा, यहाँ पर ब्लैक फिनिश मिलेगा, यहाँ पर आपको ये पीच कलर का वर्क मिल जाता है। और यहाँ देख सकते हैं चारों पावर विंडोज़ आपको मिल जाती हैं। ड्राइवर साइड ऑटो अप वन टच मिल जाता है, एंड ऑटो डाउन आपको वन टच में देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर ये आपको ग्रे फिनिश शाइनिंग में यहाँ पर ये अनलॉक की बटन मिलती है, लॉक अनलॉक डोर्स लॉक मिलता है, ये ORVM ऑटो फोल्ड का मैनुअल बटन भी मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाते हैं, ग्रैब
बंडल है मिलता है, सिल्वर फिनिश यहाँ मिलेगा, एम्बिएंट लाइट का वर्क भी आपको मिलता है। यहाँ पर बॉटल स्टोरेज है, बोस कंपनी के स्पीकर हैं, 4 स्पीकर आपको दोस्तों यहाँ पर टोटल मिलेंगे और 2 ट्विटर हैं वो आपको यहाँ पर डोर्स में दोनों साइड मिल जाते हैं आगे। इसके बाद यहाँ पर फाइल स्टोरेज भी मिलता है, ये पूरा ब्लैक फिनिश मिल जाता है। और इंटीरियर में दिखाते हैं तो ये है दोस्तों इंटीरियर का प्रोफाइल है, अंदर बैठ के देखते हैं गाड़ी में कैसा लगता है। तो ये है देखिए सॉफ्ट में सीट्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, कुशनिंग इसकी सॉफ्ट में पूरी मिलेगी, डुअल टोन में आपका ये सीट्स का लुक है। और यहाँ पर सीट्स में देख सकते हैं इंक्लाइनेशन में एडजस्टमेंट आपको मिलता है, और ये सीट फोल्डिंग का बटन है जो कि मैनुअली आपको मिलता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं दोनों साइड मिलेंगे, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड में। और अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आपको ट्रैक्शन कंट्रोल है, ऑटोमेटिक इंजन ऑफ है, लाइट्स का एडजस्टमेंट यहाँ पर मिलता है, ये आपको एसी के वेंट्स यहाँ पर मिलते हैं। और शाइनिंग में यहाँ पर देखिए ग्रे फिनिश मिलेगा आपको, और ये आता है पूरा ब्लैक फिनिश यहाँ पर, जो देख सकते हैं इंटीरियर में डैशबोर्ड का व्यू है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। तो ये पूरा लुक है यहाँ पर गाड़ी में देखने को मिल जाता है। अब दिखाते हैं आपको यहाँ पर स्टेयरिंग का व्यू, तो ये है दोस्तों स्टेयरिंग का व्यू, देख सकते हैं पूरा आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है लेदर फिनिश स्टेयरिंग का मिल जाएगी, और यहाँ देख सकते हैं हुंडई का लोगो मिल जाता है। वॉइस कमांड है, मोड है, यहाँ पे स्टार फेवरेट का बटन, कॉल करने का बटन है। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश ये देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये MID को इसको सेट कर सकते हैं, क्रूज कंट्रोल यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्टेयरिंग का कॉलम है तो वो भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का व्यू है, तो यहाँ पर आपको देखिए डिजिटली यहाँ पर स्पीड आपको देखने को मिलेगी 220 किलोमीटर की लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको यहाँ पर RPM देखने को मिल जाएगा। MID है, ट्रिप डिस्टेंस इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके मिल जाते हैं यहाँ पर लाइट्स के कंट्रोल हैं, इधर हैं वाइपर्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, और 8 इंच का ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले फीचर मिल जाएंगे, DRVM फीचर है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये आप लोग देख सकते हैं जैसे रिवर्स पार्किंग करते हैं तो कैमरा का व्यू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, रियर पार्किंग कैमरा। इसके बाद ये आता है 2 यहाँ पर AC के वेंट्स मिलते हैं, ये पार्किंग लाइट की बटन है आपको यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों, ये स्पोर्टी डिज़ाइन आपको मिलता है, और इसमें आपको मिलते हैं 6 एयरबैग। और यहाँ पर देख सकते हैं AC कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर फैन कंट्रोल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और ये आता है देखिए यहाँ पर AC के जो मैनुअल बटन है वो मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपको मिल जाती है वायरलेस चार्जिंग है, मेड लाइट का वर्क है, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, 12V 180W का सॉकेट आपको मिलेगा, USB पॉइंट मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्लव बॉक्स है, कूल फीचर के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर देखेंगे गाड़ी में, अब दिखाते हैं अपर साइड में क्या क्या मिलेगा। इससे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पर गियर बॉक्स, तो ये है 5 गियर बॉक्स, आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है इसमें, और ये लेदर का कवर है आपको मिल जाता है। हैंड ब्रेक है, ब्लैक फिनिश बटन के साथ में है, आर्मरेस्ट आपको एडजस्टेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टोरेज है, 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और कीज़ हैं आपको 2 ये देखने को मिल जाएंगी, लॉक अनलॉक और ये बूट ओपनिंग की बटन है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, ये आप लोग देख पाएंगे। और इसके बाद में अपर साइड में दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक आपको मिल जाता है सनवाइज़र है, और इसमें विथ टिकट होल्डर आपको मिलेगा। लेफ़्ट साइड में आपको सनवाइज़र है विथ वेंटी मिरर मिलता है। इसके बाद में अब यहाँ पर आपको देखिए 2 लैंप लाइट हैं वो देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं अपर साइड में ये है सनरूफ का व्यू आपको मिलता है, तो 1 टच में आपका सनरूफ है ओपन हो जाता है आसानी से। इसके बाद में एक बार और टच करेंगे तो ये आपका और ओपन हो जाता है। अब इसको 1 टच करते हैं तो हमारा जो सनरूफ है वो आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये गाड़ी में बैक साइड में और वहाँ का स्पेस दिखाते हैं, बैक वाली सीट में वहाँ पर हमें कितना स्पेस देखने को मिल जाएगा। तो चल लेते हैं बैक वाली सीट में देखते हैं। तो ये है जैसे बैक वाली सीट है, और यहाँ पर बैठ के हम लोग देखेंगे कैसा लुक हमें मिल जाता है। यहाँ का जो व्यू देखेंगे आपको डुअल टोन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पीच कलर का वर्क बैक वाले डोर में ज़्यादा है, और ब्लैक फिनिश का जो वर्क है बहुत कम मिलता है। यहाँ पर सिल्वर फिनिश मिल जाता है, ग्रैब हैंडल है, यहाँ पर विंडो लॉक मिलता है, ग्रे फिनिश शाइनिंग में अनलॉक की बटन है। इसके बाद यहाँ पर बॉटल स्टोरेज है, स्पीकर आपको मिलता है बोस कंपनी का, आपको यहाँ पर मिल रहा है स्पीकर दोस्तों। और ये आता है इंटीरियर का प्रोफाइल है, और यहाँ पर बैठने के बाद देखेंगे तो ये है सीट्स है, सॉफ्ट में आपको सीट्स मिलती हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है दोस्तों, यहाँ पर फिक्स्ड में हेडरेस्ट आपको मिलते हैं। और इसके बाद बैठने के बाद हम लोग देखते हैं तो ये है देखिए यहाँ पर लेग रूम, आपको अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये है बैक में आपको 2 AC वेंट्स मिलेंगे, यहाँ पर मोबाइल स्टोरेज है, और USB चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है।
तो ये पूरा लुक आया आपको यहाँ पर, और मिड में देख सकते हैं लैंप लाइट आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर देखेंगे सॉफ्ट फोल्डिंग में ग्रैब हैंडल है, दोनों साइड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इतना प्रोफाइल है दोस्तों गाड़ी का, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको व्यू यहाँ पर मिल जाता है, और एक बार एक्सटीरियर प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पर गाड़ी का दिखा देते हैं। और दोस्तों एक चीज़ रह जाती है अभी गाड़ी के अंदर, तो वो आपको दिखाएंगे क्या क्या यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक IRVM है, मैनुअल एडजस्टेबल मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक सनग्लास होल्डर है, वो भी आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाती है गाड़ी में।